अगर आप एक रियल स्टेट एंथुजियास्ट है, अगर आप रियल स्टेट के बिजनेस में नए हैं या रियल स्टेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप पहले से रियल स्टेट के बिजनेस में लेकिन एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो और रियल स्टेट बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा रियल स्टेट बिजनेस जिससे आप जल्दी पैसे कमा सकते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, जिससे आप जल्दी पैसे कमा सकते हैं, मतलब आपको बहुत लॉन्ग वेट करने की ज़रूरत नहीं। जब आप कोई ओल्ड ट्रेडिशनल रियल स्टेट बिजनेस करते हैं, मान लीजिए लैंड रीसेल का डील करने का बिजनेस, किसी का प्लॉट किसी को दिया, किसी का फ्लैट किसी को बेचा, किसी का घर किसी को बेचा, उस समय हो सकता है कि डील का टाइम 6 महीना 9 महीना पेमेंट टर्म्स हो, तो 9 महीने आपको पेमेंट आने में लग सकते हैं। हो सकता है आप एक फ्लैट स्कीम सेल कर रहे हो, लेकिन फ्लैट स्कीम जब शुरू हुई तब आपने सेल की, तो बनते बनते 2 साल लगेंगे, तो आपको 2 साल में पैसा मिलेगा। हो सकता है आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड का डील किया, बहुत बड़ी भी डील हो, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड है पूरे पेमेंट देने का वो 1.5 साल का है, तो आपको 1.5 साल में पैसा मिलेगा। लेकिन एक ऐसा रियल स्टेट बिजनेस है जिसमें आपको जल्दी पैसे मिल सकते हैं। देखिए इस वीडियो को, हम आपको बताएंगे कि वो बिजनेस क्या है। ये वीडियो है रिलेटेड विद हाउ टू स्टार्ट अ रियल स्टेट रेंटल बिजनेस। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बहुत पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है और आपको जल्दी पैसा भी मिल सकता है। तो रेंटल बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है रियल स्टेट रेंटल का बिजनेस, इसे हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो थोड़ा एंड तक इस वीडियो को देखिए, इसकी कही हुई बातों को, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आप भी एक अच्छा रियल स्टेट रेंटल का बिजनेस सेट कर सकें। दोस्तों, रियल स्टेट के इस दुनिया में बढ़ते समय के साथ जब आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है मेट्रो सिटीज़ में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी इस रियल स्टेट रेंटल बिजनेस की बहुत डिमांड है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है Tier 1 सिटीज़ में। क्यों किया जाए ये बिजनेस? क्योंकि ये करना थोड़ा इजी है, इसे आप बहुत जल्दी समझ कर सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क अगर आपने अपने सिटी में, अपने आसपास के एरिया में कर लिया, तो भी आप रियल स्टेट रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप एक मेट्रो सिटी में हैं तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है, आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली कहूँ तो 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपये महीने तक की कमाई आप रियल स्टेट रेंटल के बिजनेस में कर सकते हैं। रियल स्टेट रेंटल के बिजनेस में क्या करना होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आपको अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। मान लीजिए वो एक मैनुअल शीट, एक नोटबुक हो सकती है, एक डायरी में हो सकता है, या तो एक एक्सेल शीट हो सकती है, कि आपके आसपास क्या किसी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने खरीद कर रखी हुई है, चाहे वो एक छोटा शॉप हो, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक फ्लैट हो। उस फ्लैट का डिटेल आपको, कितना साइज है, कितना बड़ा फ्लैट है, क्या 1000 स्क्वायर फीट का 2BHK है, क्या 1500 स्क्वायर फीट का 3BHK है, क्या 200 फुट की शॉप है, जो भी हो, पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल आपको पहले तो अपने पास मेंटेन रखनी है। ये क्यों रखनी है और इसका क्या काम पड़ने वाला है? अगर मान लीजिए कि रियल स्टेट रेंटल के बिजनेस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक, जिसे घर की या ऑफिस की या शॉप की ज़रूरत होती है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से कनेक्ट करना जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे वो रेंट पर देना चाहता हो। बहुत सिंपल बिजनेस है, इसे पहले ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे, मान लीजिए आपका रहना हो बॉम्बे में, और बॉम्बे में किसी को आईटी कंपनी में नया जॉब लगा, उसकी सैलरी एवरेज स्टार्टिंग 40-50 हज़ार रुपये महीना है, और उसका पैकेज कुछ 4 से 5 लाख रुपए सालाना है। अब जब भी वो व्यक्ति उस सिटी में सबसे पहले शिफ्ट होता है, या वो कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति भी हो सकता है जिसका 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो, किसी भी व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है घर की, तो वो उस सिटी में घर ढूंढता है। अब वो घर कहाँ ढूंढता है? वो ऑनलाइन जाता है, फेसबुक पर ढूंढता है, या गूगल पर सर्च करता है, या कोई रियल स्टेट के पोर्टल से वहाँ जाकर एक रेंटल घर की तलाश करता है। अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट है, अगर आप एक रियल स्टेट रेंटल एजेंट है और आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में पैसा कमाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी और समझनी है कि आपके पास पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके लैंड ओनर जो है वो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुके हैं या पूरी अथॉरिटी दे चुके हैं कि उनकी प्रॉपर्टी आप रेंट पर चढ़ा सकते हैं। अब जब आपके पास मान लीजिए 5 2BHK फ्लैट मुंबई में और 5 3BHK और 5 शॉप्स है, अब ये आपकी इन्वेंटरी हो गई 15 प्रॉपर्टीज़ की, 5 2BHK 5 3BHK और 5 शॉप। अब अगर किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी की जरूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको कांटेक्ट करने के लिए वो आपको कहां ढूंढेगा? हो सकता है वो ऑनलाइन ढूंढे, ऑफलाइन ढूंढे, किसी दोस्त के रेफरेंस से पता चले कि किसी को आपने एक 2BHK दिलवाया था अच्छे रेट में। इसमें आपकी इनकम कैसे होती है और क्या होती है रियल स्टेट रेंटल के बिजनेस में? अगर आप, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने 50 लाख का 2BHK खरीदा था, मुझे रेंट पर चढ़ाना है, मैंने डिसाइड किया कि मेरा इसका 20 हज़ार रुपये रेंट होगा मुंबई में, और आप मुंबई में अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, रेंटल कंसल्टेंसी,
इस केस में आपने मेरा घर, मेरा फ्लैट किसी आईटी के बंदे को दिखाया, मान लीजिए मिस्टर अनिल को, मिस्टर अनिल को मेरा फ्लैट अगर पसंद आया और ये डील हम दोनों के बीच हो गई, तो हो सकता है मैंने डिमांड रखी हो, मैं 2 से 3 महीने का एडवांस चाहता हूँ, तो 3 महीने का एडवांस 20,000 रुपये के किराए के हिसाब से हुआ 60,000 रुपये, तो हो सकता है जो एक फिक्स भी है मार्केट में कि घर के रेंटल के लिए 1 महीने का मिनिमम रेंट चार्ज करते हैं जो भी कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या रियल एस्टेट एडवाइजर्स होते हैं। तो अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट रेंटल एजेंट है, तो आप मुझसे, क्योंकि मेरा फ्लैट आपने रेंट पे चढ़ाया है, 20,000 रुपये कमा सकते हैं और इसमें बहुत देर नहीं लगती। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ये पैसा बहुत, अगर सामने वाले व्यक्ति को मेरा फ्लैट पसंद आ गया 2 BHK और 20,000 रेंट पे वो ओके है, या मान लीजिए 18,000 पे भी ओके है, तो आपको एक जगह से 18 या 20,000 और दूसरी जगह से 18-20,000 30 से 40,000 रुपये का एक ऑन एन एवरेज इनकम हो सकता है एक फ्लैट रेंट पे देकर। एक सिंपल फॉर्मेट होता है एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट पे आप दोनों की, जिसका लैंड है मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी ले रहा है, उन दोनों का एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं और आपका इमीडिएट अमाउंट रिलीज हो जाता है पहले 10-15 दिन के अंदर ही। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग प्रॉमिस किया था कि रियल एस्टेट रेंटल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आराम से कम समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं, और अगर आप मेट्रो सिटीज में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सबअर्ब से, आजू बाजू की छोटी सिटीज से जॉब करने के लिए मेट्रो सिटीज में आते हैं। तो मेट्रो सिटीज में आने के बाद सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है घर, और अगर आप घर या छोटा ऑफिस लोगों को दिला सकते हैं तो आप एक अच्छा रियल एस्टेट रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है तो आप एक रियल एस्टेट रेंटल की कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप 2-3 एम्प्लॉयज़ को रख के अपने बिजनेस को, अपने नंबर ऑफ डील्स को पर मंथ बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी इनकम आराम से 50,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी मेहनत। तो रियल एस्टेट रेंटल का बिजनेस अभी नहीं, कई सालों से चल रहा है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने इसे बहुत एडवांस तरीके से करना शुरू कर दिया है। अच्छी अच्छी वेबसाइट, अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज बनाकर, अलग अलग जगह अपना रजिस्टर करके, ब्रांड अलग अलग कंपनी वेबसाइट्स पर अपना पोर्टल खरीद कर, स्पेस खरीद कर भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो अगर आप एक ऑन एन एवरेज 3 से 4 डील भी पूरे महीने में मेहनत करके कर पाते हैं, और 15 से 20,000 अगर एक फ्लैट का ऑन एन एवरेज रेंट भी है, तो भी अगर आपको दोनों साइड से रेंट मिलता है, कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों पार्टी से कमीशन मिले, हो सकता है एक और पार्टी किसी और एजेंट के थ्रू आपसे मिली हो, उस केस में आपको अपना रेंट या अपना कमीशन शेयर करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर 5 में से 3 डील भी आप डायरेक्ट करते हैं, तो आप आराम से दोनों पार्टियों से 30-40 हज़ार के हिसाब से 1 लाख रुपए, और अगर 2 डील ऐसी भी होती है जो इनडायरेक्ट है, तो भी 30-40 हज़ार रुपये आप ऑन एन एवरेज 1-1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में नए हैं, शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सीखते हुए भी रियल एस्टेट बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एक रियल एस्टेट रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपकी अच्छी खासी एक मंथली अर्निंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको और इस बिजनेस को कितना एक्सप्लोर करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत काम का है और देश के हर कोने, हर सिटी, हर स्टेट में लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जो लोग आज बहुत, हो सकता है डिग्री लेकर बैठे हो लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता पैसे कमाने का, उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंचता है, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत डिटेल में भी हम आगे इससे रिलेटेड वीडियोज लेकर आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया है, आप इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके भी एक रियल एस्टेट रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई भी रियल एस्टेट का टॉपिक जो आपको लगता है, जो आप देखना चाहते हैं, जिस पर वीडियो, और अभी तक आपको कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।